मेरा नाम है हार्दिक और आपका एक बार फिर से स्वागत है फार्मिंग विद हार्दिक यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर पे आप लौकी के बीज को अच्छे से जर्मिनेट कैसे कर सकते हैं और 100% रिजल्ट के साथ आपका जो लौकी का बीज होगा वो जर्मिनेट 100% हो ही जाएगा। अब बात करते हैं कि लौकी के बीज बहुत ही ज्यादा आसानी जर्मिनेट हो जाता है। ये बात अलग है कि आप 5 बीज लगाए और उनमें से 4 बीज जर्मिनेट हो गए और 1 बीज नहीं होता तो उसकी कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पूरी पक्का नहीं होता कि सारे बीज जर्मिनेट हो। तो बात करते हैं इसको जर्मिनेट कैसे करना है। तो सबसे पहले ले लेना है आपको एक डिस्पोजल के नीचे आपको छेद कर देना है नीचे वाले हिस्से में। फिर आपको एक मिक्सचर बनाना है जिसके अंदर आप काउडन कंपोस्ट, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्स उसके अंदर ले लीजिए और फिर उसको धीरे धीरे आप ऐसे भर के बंद करिए। आप पूरे डिस्पोजल भर दिया है और अब आपको लेना है एक लौकी का बीज और उसको अब इसके अंदर गाड़ देना। आपको ये ध्यान देना जब भी आप बीज लगाए तो आप 3 से 4 या 5 से 6 आप लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। फिर आप इसे पानी डाल दीजिए, हल्की सी बौछार दीजिए। अगर आप डायरेक्ट पानी डालेंगे तो इससे जो हमारा बीज है वो ऊपर आ जाएगा तैर के। अब आपको क्या करना है, इसे किसी शेडी एरिया में रख देना है और अब आप देख सकते हैं 1 दिन बाद का रिजल्ट है। अब हमारा जो बीज है वो थोड़ा सा बहुत जर्मिनेट हो चुका है और जर्मिनेट होने के बाद अब आप मेरे को 3rd दिन का रिजल्ट आप देख सकते हैं। 3 दिन बाद का रिजल्ट है, हमारा बीज अब अच्छा खासा जर्मिनेट हो चुका है और ये 4th दिन का अपडेट, हमारा बीज अब काफ़ी बड़ा भी हो चुका है। अब बात करते हैं अब इसके सीधे 15वें दिन के अपडेट के बाद, और ये 15 दिन का अपडेट है। ये 15वें दिन का अपडेट आप देख सकते हैं, जो हमारा बीज है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब हमें इसे ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो जो मैं इस डिस्पोजल को सीधा फाड़ लेता हूँ। अब इसकी रूट बॉल देखते हैं हेल्दी है नहीं है, तो आपको बिल्कुल इसे आराम से फाड़ना है, आराम से आपके हाथ में आ जाएगी। इससे इस तरीके से क्या होता है, आपके पौधे को कोई ट्रांसफर शॉक नहीं लगता, क्योंकि जो उसकी मिट्टी होती है वो उसके साथ ही पूरा आ जाती है। अब आप देख सकते हैं पौधे की कमाल की एकदम रूट बॉल बन चुकी है। रूट बॉल बनने से इसे ट्रांसफर शॉक में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं इसको किस साइज के ग्रो बैग में लगाना है, और ग्रो बैग में लगाना जरूरी है कि तो आपको जितने बड़े साइज का आप ग्रो बैग लोगे वही इसके लिए अच्छा है। पर अब इस पौधे को मैं लगाऊंगा मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी में पौधे के लिए और ज्यादा जगह होगी तो जितने इसको जड़ें फैलनी है तो फैल देगी। तो आप पहले तो एक छोटा मोटा गड्ढा कर लीजिए, जितनी इसकी रूट बॉल है उससे थोड़ा ऊपर जो इसका तना है वो थोड़ा ढक जाए। आपको ऐसा नहीं कि आप पूरे पौधे को ढक दिए और आधे पौधे को बाहर, तो आपको अच्छे से थोड़ा बहुत खड्डा करके इस पौधे को डाल दीजिए और पानी डाल, पौधे लगाने के बाद आप कभी पानी मत दो का पानी डालना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि पानी डालना पौधे लगाने के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कोई सा पौधा लगाए, चाहे कटिंग लगाए, बहुत तैयार करी पौधा लगाए, नर्सरी से पौधा लगाए, आपको पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी नहीं डालेंगे तो आपके पौधे खराब भी हो सकते हैं और पानी डालते एक बार आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो मिट्टी में सेट हो जाती है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस